हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं घी बना रही हूँ। और ये जो है वो 10-15 दिन में मतलब इतना तैयार हो जाता है, तो हर एक 10-15 दिन में मैं घी बना लेती हूँ। और हमें मार्केट से ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना सफिशेंट रहता है कि घर में ही जो घी बनता है वो उससे मतलब हम लोग का पूरा हो जाता है। और मैं रोज़ का 2 लीटर लेती हूँ दूध, तो घी भी अच्छा खासा निकल जाता है। मतलब एक महीने में 1 लीटर 1.5 लीटर का आराम से निकल जाता है घी। तो यहाँ पे मेरा घी जो है वो बन गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो यहाँ तैयार हो गया। थोड़ा सा और मैं पकाऊंगी, इससे थोड़ा पका रहता है तो घी जो है वो थोड़ा सा मतलब कि 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने भी चल जाता है, थोड़ा ज़्यादा पकाते हैं तो। यहाँ पे घी जो है वो पक गया है, अब इसे बॉटल में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। और घी जब ठंडा हो गया तो उसके बाद फिर मैं इसे रख दी बॉटल में भर के, मतलब वो हमारे पास स्टील का केन है तो उसी में मैं रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये, इसे आप लोग क्या कहते हैं वो मुझे बताइएगा कमेंट करके। और इसे तो हम कैंता कहते हैं, या यहाँ पे चिचिंदा भी कहा जाता है। तो इसकी भुजिया बहुत अच्छी, बहुत अच्छा बनता है। और इसका कभी सब्जी भी मैं बताऊंगी। तो इसका भुजिया मेरे घर में वैसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसका एक तरीके से सब्जी भी बनता है जो कि बहुत टेस्टी लगता है। और स्टफ सब्जी, कार्तिक तो इसे कहता है कि ये सांप वाला सब्जी है, भुजिया है, बट इसका अच्छा लगता है टेस्ट। तो बस यहाँ पे उसी को काम में भुजिया बना रही हूँ। और ये जो है वो अक्सर मतलब ठंडा में भी मिलता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि मुझे याद आता है कि मम्मी लगाती थी तो ठंडा जैसे दिसंबर जनवरी में भी मतलब रहता था, लेकिन कम फटता था। लेकिन अभी बारिश वाला सीजन में ना ये बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसे तो मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तो मुझे ये ठंडा वाला सीज़न में मिलता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। बारिश वाला सीजन में दिखता है और बहुत दिखता है। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा फोरन डालूंगी, इसे तड़का कहते हैं, फोरन, तो वो डाल करके और इसको फ्राई कर लूँगी। और ये बहुत सिंपल तरीके से फ्राई होता है और बहुत जल्दी ये पक भी जाता है। और इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस बहुत थोड़ा सा मैं तेल डाली हूँ उसमें, फिर 5 फोरन डाली हूँ और ये एक सूखी लाल मिर्च डाली हूँ ताकि थोड़ा सा तीखापन आए, क्योंकि मैं मिर्च पाउडर यूज नहीं करती हूँ तो इसकी वजह से। और थोड़ा नमक डाली हूँ और हल्दी डाली हूँ। और उसके बाद इसे ढक करके पकाएंगे तो ये 5 से 7 मिनट में जो है खूब बढ़िया से पक के और अच्छे से मतलब कि फ्राई हो जाएगा। और ये हमारा जो है भुजिया तैयार हो गया है। तो इसे जो है कैंता हम लोग कहते हैं। अब उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी आलू बोड़ा की सब्ज़ी। और पता नहीं क्यों गांव में बोड़ा, इसे लोभिया भी लोग कहते हैं, तो गांव में बोड़ा लोग पूछता नहीं है हमारे यहाँ, और शहर में जो है वो 60-80 से कम नहीं मिलता तो ये समझ में नहीं आता है। गांव में कहता है कि अरे क्या बना दिया, बोड़ा की सब्ज़ी बना दी, मतलब बोरा बोरा इसको कहते हैं हम लोग, तो लोभिया तो ऐसे कहते हैं, लेकिन बोरा ज़्यादा हम लोग कहते हैं। तो गांव में लोग इसे पूछता नहीं, ऐसे ही मतलब कि लटका रहता है झाड़ पे, और यहाँ पे बहुत महंगा रहता है। ये मुझे बहुत पसंद है और इसे भी बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। मैं सब्जियों में बहुत कम ही तेल मसाला डालती हूँ, इसलिए क्योंकि सब्जी का अपना टेस्ट होता है तो वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ली हूँ और धनिया पाउडर ली हूँ, MDH किचन किंग मसाला ली हूँ 1 चम्मच, और ये थोड़ा सा मैं ली हूँ सरसों, पिसा हुआ सरसों मैं इसमें यूज करती हूँ। बहुत टेस्टी बनता है ये सब्जी, तो मेरे तरीके से कभी आप बना करके देखें, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे हमारा बोड़ा जो है वो फ्राई हो गया है, तो जो मसाला तैयार की थी मैं वो मैं इसमें डाल दूंगी। और डालने के बाद फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद नमक डाल देंगे। नमक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और बस कुकर में इसे 1 सीटी लगा देंगे और ये हमारा आलू बोड़ा का सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।